अब आप हमको ये बताइए कि जैसे मान लीजिए ये प्राइस है, इसको हम थोड़ा रुपीज रुपीज में कन्वर्ट कर देते हैं, रुपी में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, रुपी का मतलब ये है कि यहां से देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये करेंसी दिया हुआ है, दिख रहे हैं ये, यहां पे जाएंगे ना तो ये आपको करेंसी दिखेगा, ये करेंसी दिख रहा है। यहाँ नीचे जाएंगे तो मोर नंबर फॉर्मेट्स दिखेगा, तो जब यहां जाएंगे ना तो यहां पर करेंसी पे जाना है आपको, करेंसी पे आ गए। अब देखिए ये इंडिया रुपी, इंडियन रुपीज का साइन है कि नहीं है, तो कोई एक चूज करके ओके कर देना है आपको। ओके कर दिया हमने, अब ये जो है रुपया आगे दिख रहा है आपको, ये रुपए का सिंबल है ना, है कि नहीं। अब देखिए कोई चीज तीन अमाउंट में खरीदी गई है, 3 यूनिट खरीदी गई, यानी कीबोर्ड 3 तो खरीदा गया है, माउस 4 तो है, SSD 2 है, HDD यानी हार्ड डिस्क 5 है, और ये मोबाइल 6 है। ठीक है, सबकी प्राइस भी लिखी हुई है, किसकी कितनी प्राइस है, दिख रहा है ना। तो हमें ये बताइए कि एक कीबोर्ड 200 रुपए का, तो तीन कीबोर्ड क्या होगा, यहां पे क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे। तो सबसे पहले गुणा करने के लिए क्या करेंगे, पहले इक्वल टू लगाएंगे, तो इक्वल टू लगा लीजिए। अब कर दीजिए जो कह रहे हैं कि प्राइस में यूनिट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्राइस को सेलेक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, ऐसे नहीं लगता है, मल्टीप्लाई का साइन शिफ्ट के साथ लगाइए, यूनिट को सेलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, हो गया। अब क्या करना है आपको, ड्रैग कर देना है, वहां क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, ड्रैग करिए क्लिक करके, हाँ ड्रैग करिए कीजिए, आइए गुड आ गया। अब देखिए ये जो है कभी कभी आपको लगता है कि ये एरर वैल्यू है, नहीं ये कोई एरर वैल्यू नहीं है, एरर माने गलती हो गई है, कुछ फॉर्मूला लगाने में त्रुटि हो गया, नहीं एरर वैल्यू नहीं है ये, हालांकि इसको एज ए एरर वैल्यू कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये क्या होता है ना, जब कॉलम छोटा पड़ जाता है ना तो ऐसी एरर आती है। तो आपको करना क्या है, कॉलम को सेलेक्ट करना है और एक शॉर्टकट की ऑल्ट एच ओ आई प्रेस करना है, जैसे ही करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रिसाइज हो जाएगा, रिसाइज हो गया ना। अब हमें जीएसटी अमाउंट, जीएसटी टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट करना है, जैसे इन सारे सामानों पर 5% का टैक्स लग रहा है, देखिए अभी देखिए ये नंबर किधर की तरफ चला गया, राइट की तरफ, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आपको कि नंबर हमेशा किधर की तरफ अलाइन रहता है, राइट की तरफ, तो ये राइट की तरफ चला गया, तो 5% टैक्स लग रहा है, ठीक है जीएसटी के हिसाब से। तो अब हमको ये पता करना है कि ये जीएसटी अमाउंट जो है कितना आया, अब जो टैक्स छिपा होगा वो इसी के अंदर छिपा होगा कि नहीं होगा, बताइए, जो टैक्स छिपा होगा हमारा वो इसी के अंदर आया होगा, ये 600 जो लिखा हुआ है, ये 480 लिखा हुआ है, जो भी कीमतें लिखी हुई है टोटल, इसी के अंदर ना हमारा टैक्स छिपा होगा। तो यहां पर सबसे पहले आप क्या कीजिए, इज इक्वल टू का निशान लगा लीजिए टैक्स को पता करने के लिए, और यहां पर जो आपका पहला सेल है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे हमारे केस में D2 है, हमने D2 को सेलेक्ट करा, और यहां से मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, मल्टीप्लाई का साइन लगाना आता है, ठीक है। और यहां पर यह टैक्स है ना, टैक्स है कि नहीं है, तो टैक्स को सेलेक्ट कर लिया, अब टैक्स कौन सा है, H4 है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एंटर कर देते हैं, एंटर कर दिया तो यहां पर जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट हो गया। अब आप ड्रैग कर दीजिए, माउस उठाइए, ड्रैग कर दीजिए नीचे, ठीक है, यहां पर 0 क्यों आ गया, जरा ये बताइए कि इसका ये जो दिख रहा है आपको, इसका सेल एड्रेस बताइए, इसका सेल एड्रेस क्या है, H4 है, वेरी गुड। तो देखिए जरा यहां पर H4 आपको नजर आ रहा है क्या, आ रहा है, ये H4 ही है। चलिए नीचे चलते हैं, यहां पर क्या आपको H4 नजर आ रहा है, H5 हो गया है, तो ये बताइए ये तो आगे भागता जा रहा है नीचे की तरफ, कॉलम तो सेम है लेकिन क्या चेंज हो रहा है, रो चेंज हो जा रहा है। अभी हमको जरूरत पड़ेगी कि नहीं रो को फिक्स करने की, तो रो को फिक्स कर दिया जाए, ठीक है फिक्स करें, तो फिक्स करने के लिए क्या करना है बताइए, यहां पर F2 प्रेस करेंगे, F2 प्रेस करने से फॉर्मूला एडिट हो जाता है, चूंकि 4 को ही फिक्स करना है, H तो चेंज ही नहीं हो रहा है, H कहां चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है क्या, नहीं चेंज हो रहा है, तो यहां पर जाकर के डॉलर लगा देते हैं। अभी हमने आपको बताया डॉलर का क्या महत्व होता है, अभी आपने कहा कि हम 2000 रुपए की नौकरी नहीं करेंगे, 2000 US डॉलर की नौकरी करेंगे, यानी डॉलर जहां जा रहा है वहां फिक्स हो जा रहा है आदमी, ठीक है ना। तो डॉलर की कीमत ज्यादा है, एक डॉलर में ज्यादा इंडियन रुपीज होते हैं, इसीलिए आप डॉलर के ऊपर ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है यहां पे हम डॉलर लगा देते हैं, डॉलर कौन से बटन पे मिलेगा आपको, अल्फा न्यूमेरिक की जो 4 है वहां पे डॉलर मिलेगा आपको, तो ये डॉलर लगा दिया, सिर्फ एक बार लगाना, ठीक है दो बार नहीं लगाना, ऐसा नहीं कि दो बार तीन बार कर दीजिएगा, ऐसे 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 नहीं करना, सिर्फ एक बार, ठीक है एक बार लगा दिया और एंटर कर दिया, ठीक है। अब जरा इसको ड्रैग कीजिए, ड्रैग करिए, तो देखा आपने सारा का सारा आ गया। अब देखिए 4 जो है फिक्स हो जाएगा, देखिए यहां पर अब आएंगे ना
तो यहां पे देखिए F2 प्रेस करिए और यहां पे देखिए F2, ये 4 आपको दिख रहा है। अब नीचे आते हैं, ठीक है, यहां पे आते हैं, F2 करते हैं, तो यहां पे 4 है, जबकि देखिए यहां पर जब आते थे तो यहां पर देखिए क्या दिखा रहा है, D2 दिखा रहा है ना, तो D2 ये है 600, तो जो कीबोर्ड है वो 200 का एक था, तो 3 जो है 3 की कीमत आ गई यहां पे, लेकिन जब यहां पे नीचे आते हैं तो ये बन जाता है D3, तो D3 तो बनना ही चाहिए भाई, क्योंकि माउस की कीमत 200 रुपए थोड़ी ना है, माउस की कीमत तो 120 रुपए है, और ये कहां लिखा हुआ है, D3 में लिखा हुआ है, ये कहां लिखा हुआ है, हां B3, ये B3 में है, तो यहां पे कैलकुलेट करा गया है, देखिए ये कैलकुलेट करा गया है ना, ये देखिए ये मैं दिखा रहा हूं, यहां पे आइए और ये देखिए ये क्या है, ये B3 है, तो B3 * C3 है ना, तो जैसे मान लीजिए कि रो के हिसाब से आपका चेंज होना चाहिए ना रो, जैसे नीचे जाएंगे आप ड्रैग करते हुए तो ये तो चेंज होना चाहिए, अब आपका सारा एक जैसे देख सकते हैं कि जैसे जो कीबोर्ड की कीमत है और यूनिट है उसके हिसाब से यहां टोटल आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, उसी के हिसाब से टैक्स भी आ गया, तो हमने 4 को क्या किया, फिक्स कर दिया, जो यहां पे 4 आपको दिखाई दे रहा है रो, उसको हमने फिक्स कर दिया, तो यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है 4, फिर नीचे आ रहा है तो यहां पर भी 4 फिक्स दिखाई पड़ रहा है, सब चेंज हो रहा है, लेकिन सिर्फ 4 नहीं चेंज हो रहा है, देखिए 4 चेंज हो रहा है क्या, लास्ट तक 4 आपको दिखाई देगा, समझ रहे बात को, क्लियर है, समझ में आ गई बात, चलिए।